नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी आपके सामने मैं लाऊंगा कि कैसे कोरोना काल में लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। ये कोरोना के डर से लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। उनको लगता है हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमको हो जाएगा कोरोना। हाल ही में एक 30-32 साल की एक लड़की थी, वो अपने किसी डॉक्टर से फ़ोन पर ही बात कर रही थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमज़ोरी है, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे बहुत वीकनेस है। अभी लोगों को कुछ दिखता तो है नहीं, उनको लगता है हो गया कोरोना। तो उसको दवा चालू हो गया, क्रोसिन की दवा, ये दवा, विटामिन की दवा, हैं कोरोना की जो बेसिक दवाइयाँ हो तो वो चालू हो गई। अब उसको आराम तो होगा नहीं, लेकिन उसके मन में और डर हो गया कि बाबा मुझे हो गया कोरोना। तो किसी ने कहा, भाई जाओ डॉक्टर एपी वहाँ पे चेक करता है, जाओ उनको एक बार दिखा दो। अब वो मेरे पास आई तो बाबा मैं उससे बात किया, मैं उससे पूछा कि क्या हो रहा है, बोलते उल्टी होती है उल्टी। तो उसको अच्छे से एग्जामिन किया, मैंने पूछा भाई से पूछा थायराइड वायरॉयड है, बोलते नहीं थायराइड नहीं है। मैं बोला बच्चे हुए हैं, बोले नहीं शादी के 6 साल हो गए हैं, मुझे बच्चा हुआ नहीं है। मैं बोला महीना कब आया था, बोला महीना इस बार 10 दिन आगे चला गया, आया नहीं इस बार। बोला अरे तो आपने अपना यूरिन चेक पेशाब चेक नहीं किया प्रेगनेंसी के लिए, बोलती नहीं मेरा ऐसा लेट होता है। मैं बोला अरे यार लेट होता है लेकिन एक बार आप चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है। तो मेरे कहने पे उसने अपना यूरिन चेक किया तो देखा तो भाई उसको पॉजिटिव था, वो प्रेग्नेंट थी और उसको लगा कि उसको है कोरोना। इतनी बड़ी न्यूज उस बिचारी के लिए और वो अपने मन में डर लेके बैठी थी, उसको कोरोना हो गया। अभी आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर ये लड़की कोरोना की दवाइयां खाते रहती उसको साइड इफेक्ट नहीं होता, असर होता था उसके बच्चे के ऊपर। वो लड़की रोने लग गई खुशी की मारे, इतनी बड़ी न्यूज। इसीलिए मैं लोगों को कह रहा हूं कि डरिए मत, अपने डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट उनको बुलाइए दवा खाने में, हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में, डिस्पेंसरी में, बोलिए भाई आओ, डरिए मत, वरना बीमारी कुछ और रहेगी और हम कोरोना सोचते रहेंगे। यार कोरोना को साइड में रखिए यार, मैंने पहले ही कहा कि ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन नॉर्मल है तो कुछ मत डरिए, जाइए आप। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे भारत में, हमारे राज्य में, कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमको कोरोना का डर बैठा है। ऐसे छोटी छोटी केसेस में और लाऊंगा आपके सामने, आपको समझाने के लिए कि वो हमको गलती नहीं करनी है। अभी प्रेगनेंसी का जो केस मैंने लाया हूँ, अपने पूरे इंडिया में अगर एक भी अगर बेनिफिट हो गया बाबा की, अगर उसको समझ गया कि बाबा मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, तो मेरा ये वीडियो सफल हो गया। तब तक के लिए आपका फैमिली डॉक्टर आपसे विदा ले रहा है, अगली बार एक नया केस लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।